ये हमारे पास ईटीओ उसका पंप आया था, तो इसमें तो प्रॉब्लम से देखिए, इसका जो बुश था वो कट गया था बिल्कुल, और इसकी शाफ्ट वो भी बिल्कुल कट गई थी, और इसका सप्लाई पंप वगैरह ख़राब हो गया था, तो गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, उसके बाद गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई। तो इसको हमने चेक किया तो इसका प्रेशर नहीं बन रहा था, जैसे ही पंप को हमने डिसमेंटल किया तो देखा इसके अंदर से जो है कट गया सामान, और देखिए यहाँ पर बहुत सारा कचरा आ गया आप देख सकते हो। तो इसको हमने रिपेयर किया है, रिपेयर कैसे करें देखिए, हमने नई शाफ्ट और नया सप्लाई पंप है वो डालेंगे, और वोशा जो नया लगाएंगे इसको कैसे फिट करना है उसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए इसका जो सप्लाई पंप है कैसे वर्क करता है वो है, ये वोश आते नहीं आप देख सकते हो, तो वोश को लगाएंगे, लगाने के लिए इस तरीके से वोश को रख देना है, देखिए इसको वोश को रख के ऊपर से इसको प्रेस से जो है दबा देना है, प्रेस करना है इस तरीके से, तो ये नया वोश है उसको लगा देना है इस तरीके से। तो हम वोश को बढ़ा लेते हैं पहले, वोश को लगाने के बाद आप देख सकते हो वोश अच्छी तरह बैठ गया अंदर, और उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भूसा हमारा वो बिल्कुल ओके बैठ गया है, ये बिल्कुल ओके हो गया हमारा भूसा है। उसके बाद इसको फिट करके इसकी लीकेज चेक करेंगे, देखिए हमने इसकी जो है लीकेज चेक करें, हमने इसको फिट किया वाल्व वगैरह लगा के, तो यहाँ से कोई लीकेज नहीं है, अगर लीकेज होगी सुई एकदम से नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम इसको जो इसके एलिमेंट वगैरह लगा के इसको फिट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको फिट कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। इसकी कंप्लीट जो वीडियो है आपको CP3 पंप की आपको एंड पर लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने इसकी जो प्लेट है ऊपर की वो प्लेट लगा देते हैं, वो प्लेट लगाने के बाद इसको देखें कैसे वर्क कर देगा ये, देखो हमने इसको लगा दिया है, उसके बाद देखिए जैसे इसको हाथ से घुमा रहे हाथ से ही वर्किंग करने लगा ये, इसके बाद हमारी फिटिंग जो बिल्कुल ओके हुई आप देख सकते हो।